स्वागत है दोस्तों आपका लखनऊ के सबसे सुंदर प्रतिष्ठित और सभी ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं से लैस कानपुर रोड पे बसा हुआ आलमबाग एरिया में, जहां पर ये लग्जरियस 3 BHK विला आपका इंतजार कर रहा है। तो आज इसी मकान की बातचीत की जाएगी, तो पूरा मकान दिखाने से पहले आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए, फिर आप इसकी बात की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। दोस्तों, यहाँ आपको हर एक ईंट और हर डिजाइन में एक शाही अंदाज और आधुनिक सुख सुविधाओं का बेहतर सम्मिश्रण मिलेगा। तो दोस्तों, ये है आपकी पार्किंग और यहीं पर आपका ये समरसिबल का डायरेक्ट पॉइंट दिया गया है और एक टैप भी दिया गया है। दोस्तों, इसमें आप कोई भी अपनी बड़ी गाड़ी, लगभग स्कॉर्पियो तक की, इनोवा और फॉर्चूनर तो नहीं खड़ी हो पाएंगे क्योंकि मकान भी इतना बड़ा नहीं है, और लगभग स्कॉर्पियो के आसपास की सारी गाड़ियां इसमें खड़ी हो जाएंगी। और ये आपका पोर्च में ही दाहिने साइड में ये पहला बेडरूम आपको यहां पर मिल जाता है, जहां पर आप आराम से अपने गेस्ट को या खुद भी आराम से रह सकते हैं। इसमें सारी आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, एसी का और मॉडर्न लाइट, और आप देख ही रहे हैं फ्लोरिंग वोरिंग डेकोरेशन सब का बाखूबी ध्यान दिया गया है। बहुत ही सुंदर डिजाइन किया गया है, जिससे कि आप एक अच्छा जीवन यहां पर व्यतीत कर सकें और सुख की अनुभूति कर सकें। यहीं पर हमने एक स्टोरेज की सुविधा भी दे दी है, जहाँ पर आप अपने यूजलेस सामान या कुछ और भी स्टोरेज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, और पार्किंग से जैसे ही हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको आपका स्वागत करेगा ये शानदार लिविंग एरिया। आप देख लीजिए, नीचे से ऊपर तक बहुत ही लंबा और स्पेशियस स्थान है, जहां पर फिर से एक बार खूबसूरती का बहुत ही अच्छा ध्यान दिया गया है, और लगभग सभी सुविधाओं से जो कि मॉडर्न सुविधाएं होती हैं उनसे लेस किया गया है, लेस कर दिया गया है, लेस नहीं। और बाकी आप खुद देखिए, और जब आके आप प्रत्यक्ष देखेंगे तो उसकी अनुभूति अलग ही होगी। और ये यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर आपका ये लगभग एरिया 20 फीट के आसपास हो जाता है, 20x10 का, तो आप इसमें सोफ़ा और आपका सेंटर टेबल डालने के बाद में जो स्पेस बचता है वो आपके ड्राइंग टेबल के लिए बच जाता है। तो यहीं पर हमने इसीलिए आपको एक वॉश बेसिन दे दिया है और एक वैनिटी दे दी है, क्योंकि ये लिविंग एरिया में है तो इसकी खूबसूरती का पूरा ध्यान रखा गया है और पूरा ये मॉडर्न लुक में बनाइए। और ये जो आपको टैब दिख रही है ये एडजस्टेबल है, और सॉफ्ट डिस्पेंसर, मिरर, सब चीज़ यहाँ पे आपको जो आपको उपयोग में लानी है वो हमने यहाँ पर लगा दिए। आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका नीचे का स्पेस दिखा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे धूल धक्कड़ भरी हुई है लेकिन, और ये जो स्पेस दिख रहा है ये आपका फ्रिज का है, और ये है आपका मॉडर्न मॉडलर किचन, जो कि हर
गृहिणी का सपना होता है या जो भी अच्छे शेफ होते हैं उनका सपना होता है एक सुंदर किचन जो कि आपके लिए सुविधाजनक हो। इसमें सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। ये जो आपको रैक दिख रही हैं ये इतनी ऊंचाई पर लगाई गई हैं कि जिससे कि कोई साधारण भारतीय नारी जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है तो वो भी आराम से खोल सकें और अगर एक पुरुष भी खोले तो वो भी आराम से खोल सके। और आप देख सकते हैं इसमें लग्जूरियस, इसमें कहीं भी उसका हैंडल का उपयोग नहीं किया गया है। और ये एक आपको इसमें चिमनी मिल जाती है जो कि आपकी किचन की खूबसूरती को भी बढ़ाती है और किचन में आने वाली जो गैसें ऑयल उनको खींच कर ये बाहर निकाल देगी। ये काफ़ी पावरफुल लगाई गई है, ब्रांडेड लगाई गई है और इसकी गारंटी कार्ड इसका जो भी है सब आपको प्रदान कर दिया जाएगा। और ये आपका ओटीएस एरिया है, और यहाँ पर आपको एक टीवी यूनिट दे दिया जाता है जिसमें आप डेकोरेशन भी कर सकते हैं। ये जो रैकें बनी हुई हैं ये सब डेकोरेशन के लिए बनी है। इसमें गोल्डन पट्टियाँ लगाई गई हैं जो कि आपके इस एरिया की खूबसूरती को इन्हेंस कर देती है। और ये इतना स्पेसियस है कि आप अपना छोटा मोटा प्रोग्राम आप यहाँ पर आराम से निपटा सकते हैं। पूरा स्पेस अगर किचन का भी लिया जाएगा तो ये लगभग 30 फीट के आसपास स्पेस हो जाता है। और ये है आपका दूसरा बेडरूम जिसको मास्टर बेडरूम भी कहा जा सकता है। एक यहाँ पे विंडो मिल जाती है जबकि जो कि आपके ओटीएस एरिया में खुलेगी और सारी विंडो में हमने मॉस्किटो जाली लगवा दी है। और देख रहे हैं बहुत ही सुंदर, इसमें पिंक कलर की कोप लाइट का प्रयोग किया गया है। और ये एक आपको बड़ा सा वार्डरोब मिल जाता है जिसमें आपका पूरा सामान आराम से आ जाएगा। लगभग 7 फीट की हाइट है वार्डरोब की और 5.5 फीट के आसपास इसका चौड़ान है। और ये आपका अटैच बाथरूम जो कि फिर से सभी सुविधाओं से सुसज्जित है। ये आपको इसमें सब कुछ मॉडर्न ही मिलेगा। और ये दरवाजे सब पूरा मैचिंग की गई है दीवारों से, एक बार आप फिर से देख लें। दोस्तों ये जो स्थान है ये संगम विहार कॉलोनी है आलमबाग अवध चौराहे से जब आप हरदोई बाईपास पर चलते हैं 1 किलोमीटर तो बाएं साइड में DRM ऑफिस है रेलवे का, जिसको जो लिखा पढ़ी में रिटीम ऑफिस है बोलते हैं DRM है। ये आपका पहला वॉशरूम था जो कि इंडियन स्टाइल में बनाया गया है। ये भी पोर्च में ही है और ये काफ़ी लंबा है और यहीं से आपको स्टेयरकेस मिल जाती है जो कि आपके फर्स्ट फ्लोर की ओर जाती है। तो आलमबाग अवध चौराहे से 1 किलोमीटर जब आते हैं इधर हरदोई बाईपास पे तो DRM ऑफिस के पीछे संगम विहार कॉलोनी है। 1 किलोमीटर अंदर लगभग ये मकान है मेन रोड से, कॉलोनी के बीचों बीच में ये मकान है। आप देख रहे हैं ये स्पेस जो आपका दिख रहा है ये भी आपको एक हॉल का स्पेस मिल जाता है। जो नीचे का पोर्च है उतना ही है, आप अगर यहाँ पर शीशा वीशा से इसको अगर कवर कर देते हैं तो ये आपका ये जो पूरा मकान है ये 4 BHK हो जाएगा। या आप इसमें 2 हॉल और 3 बेडरूम के रूप में इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आप ड्राइंग रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आपका 3रा बेडरूम है, यहाँ पे भी उतनी ही जैसे कि नीचे था पूरा। यहाँ पे भी हमने फॉल सीलिंग करा दी, अधिकतर ऊपर के कमरे में POPD करा दी जाती है लेकिन यहाँ पे भी हमने फॉल सीलिंग कराई है। और ये देख रहे हैं पूरा पोर्च में भी हमने पूरा सारी डिज़ाइन और फॉल सीलिंग करा दी है कि पूरा मतलब कि खूबसूरती का पूरा ध्यान रखा गया है, कहीं भी कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई है। और आपको स्टेयरकेस इस मकान में पूरा 2 मंजिल तक मिल जाती है, अन्य मकानों में आपको 1 ही मंजिल तक बनाई जाती है, पीछे लोहे की सीढ़ी लगा दी जाती है, लेकिन इसमें हमने पूरा लगा दिया कि बाद में आपको तोड़ फोड़ ना करना पड़े। तोड़ फोड़ होती है तो छतें फट जाती हैं जब स्टेयरकेस की जगह बनाई जाती है।
इसलिए हमने पहले से ही बना दिया है। और ये है आपका ओपन टेरिस एरिया, यहाँ पे भी आपको एक वॉशरूम मिल जाता है जो कि वेस्टर्न स्टाइल में बनाया गया है। और ये आपको एक वॉश बेसिन यहाँ पे मिल जाता है। ये है आपका इतना ओपन टेरिस एरिया। और ये आपका मॉडर्न वॉशरूम, सेम सब कुछ जैसे नीचे था वैसे यहाँ पे भी है। आपने प्रीव्यू में देख भी लिया होगा शॉट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये चार बाग से दूरी इस मकान की लगभग 7 किलोमीटर है और आलमबाग बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर है। और यहाँ पर स्कूल कॉलेज सब कुछ है, ये आपने सारे वीडियो में देखा ही होगा। अब क्योंकि समय कम है इसलिए मैं इसका रेट जल्दी से आपको बता देता हूँ। मात्र 49 लाख रुपये रखा गया है और ये निगोशिएबल है थोड़ा बहुत। तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।